नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई। पुनर्जन्म की अवधारणा सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। सनातन धर्म और उसके शास्त्रों के मुताबिक एक आत्मा अपने जीवन चक्र में कई शरीर को धारण करती है, जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों के मुताबिक आत्मा अजर अमर होती है और शरीर का अस्तित्व बिना आत्मा कुछ भी नहीं होता। हिंदू धर्म के कई शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। शरीर की मृत्यु से पहले आत्मा की नियति निर्धारित होती है। शास्त्रों के मुताबिक जीवन के बाद आत्मा की दो गति होती हैं। या तो वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, दूसरी स्थिति में वो एक निश्चित अंतराल के बाद नया शरीर धारण करती है, यानी वो संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तब आत्मा को यमदूत 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। आत्मा को इस दौरान उसके पाप और पुण्य की जानकारी दी जाती है जो उसने त्यागी गए शरीर में रहते हुए किए हैं। फिर 13 दिनों तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार की सभी रस्म 13वें दिन खत्म होती है। इसके बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। अगर आत्मा को सद्गति नहीं मिलती है तो उसका धरती पर दोबारा जन्म होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वो सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। हालांकि विदेशों में इस विषय पर कई शोध हुए हैं, लेकिन किसी भी शोध में ये साफ नहीं हो सका है कि शरीर के मृत होने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, वो मरने के बाद कहां जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए बोल स्काई से।